This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, welcome back to our channel Feenvest. चलिए सबसे पहले हम 14 अक्टूबर 2020 की कॉल्स की बात कर लेते हैं. कल जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे उनमें से पहला था हमारा मंजन बैटरी, दूसरा था हमारा ग्रेसिम. यूट्यूब पे मैंने यही दो स्टॉक आपको दिए थे, बाकी के जो दो स्टॉक थे वो एचडीएफसी लाइफ और टेक महिंद्रा, ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए थे. अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन रहिए. तो देखिए बाकियों का तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, बाय साइड साइड से शॉर्ट सेलिंग साइड किसी ना किसी के कहीं ना कहीं टारगेट अचीव हुए, बट एमरजेंट बैटरी में क्या हुआ ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये जैसे आज यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी इस स्टॉक की, अमरजेंट बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें हम राजा बैटरी से बोलते हैं, तो इसमें हमें यहाँ पे ओपनिंग हुई, उसके बाद ये ऊपर गया, तो सेकंड कैंडलस्टिक ने हमारा बाय साइड का लेवल ब्रेकआउट किया, उसके बाद इसने अपना यहाँ पे आके एसएल हिट कर दिया. तो इसीलिए पहली बार में हमारा एसएल हिट हो जाता है तो दूसरी बार वो कॉल पिक करने के लिए मैं कहता हूँ अपने, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं आपको भी बता दूं, अगर पहली बार में आपका एसएल हिट होता है दूसरी बार वो कॉल आप दोबारा से पिक कर सकते हो दूसरी बार लेवल. जैसे यहाँ पे ये पहले एसएल हिट होने के बाद दोबारा इसने यहाँ पे लेवल ब्रेकआउट किया, लेवल ब्रेकआउट करने के बाद ये देखो यहाँ तक गया ये और इसने हमारे बाय साइड के दोनों टारगेट प्राइस ईजिली अचीव कर लिए थे. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर पहली बार में एसएल हिट होता है दूसरी बार आप वो कॉल ले सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये ट्रेंड पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगा. शॉर्ट सेलिंग की कॉल तो एक्टिवेट नहीं हो पाई हमारी, बट जो हमारा वो था ऐसे बाई साइड का हमारा जो था सेकंड टारगेट प्राइस हमारा 742 का वो इजीली अचीव हो गया था. तो यही मेरे को क्लियर करना था, बाकी मैं आपको आज चलते वीडियो में बताता हूँ. ग्रेसिम में हमारे बाई साइड के और शॉर्ट सेलिंग साइड के दो दो टारगेट प्राइस अचीव हुए, एचडीएफसी लाइफ में भी हमारा बाई साइड के दो, शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट अचीव हुए, और टेक महिंद्रा में हमारा बाई साइड का एक और शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे. एचडीएफसी लाइफ और टेक महिंद्रा मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. और आपको अगर स्टॉक छोटा स्टॉक चाहिए, मतलब कि स्टॉक जिनकी शेयर प्राइस छोटी हो, ऐसे स्टॉक्स चाहिए, आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइएगा. व्हाट्सएप में मैं मॉर्निंग में बिलो 500 की रेंज में स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, बाकी मैं आपको डिटेल वहीं सेंड कर दूंगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15 अक्टूबर 2020 की कॉल्स की तरफ. तो पहला मैंने चुना है आपके लिए ऑरो फार्मा. देखिए लेवल ब्रेकआउट होगा, हर स्टॉक का लेवल ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, तो इसमें भी लेवल ब्रेकआउट होगा. लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा, 812.10 जब हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे. स्टॉप लॉस रहेगा आपका 804 का, टारगेट रहेगा 815, 822 और 830 का. शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी 803 की, स्टॉप लॉस रहेगा 811 का, टारगेट रहेगा आपका 800, 794 और 788. अब टारगेट जब आप बाय करेंगे लेवल ब्रेक होने पे तो स्टॉप लॉस भी हिट मानेंगे जब इस लेवल से नीचे जाने लगेगी प्राइस. बाय साइड में जब 804 से नीचे जाने लगेगी तब आप अपना एसएल हिट मानेंगे. शॉर्ट सेलिंग साइड में आप जब 811 से ऊपर जाने लगेगी वैल्यू, एग्जैक्ट इतने पे नहीं, 811 से ऊपर जाने लगेगी तब अपना एसएल हिट मानेंगे. दूसरी चीज़, पहली बार में स्टॉप लॉस हिट होता है दूसरी बार आप वो कॉल लेंगे ताकि आपका जो आपने लॉस अभी तक हुआ है वो रिकवर हो जाए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है एक बार हल्का सा नीचे आने के बाद स्टॉक अप चले जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे. और तीसरी चीज़ है गैप अप अगर ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो आप क्या करेंगे उसमें, बाय की कंडीशन. गैप अप के लिए बाय की कंडीशन है, गैप डाउन के लिए शॉर्ट सेलिंग की कंडीशन है. अगर गैप अप ओपन होता है तो आप बाय करने के लिए वेट करेंगे एक मिनट का गैप फिल होने का. गैप फिल कैसे होगा, 10 AM के अंदर 10 AM के अंदर आपका गैप फिल हो जाएगा. अगर हो जाएगा, मतलब ये नहीं बोल रहा मैं एग्जैक्टली हो जाएगा, बट अगर स्टॉक की प्राइस जो है जैसे मान लीजिए 812 पे मैंने आपको बाय के लिए कहा है और 814 पे खुलता है, तो 814 से नीचे आएगा 810 808 पे, 808 के बाद वो होल्ड लेगा इन दोनों प्राइस के बीच में एक मिनट का. एक मिनट तो का मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना भी ले सकता है, तो मिनिमम एक या दो मिनट का होल्ड, दो मिनट का ज़्यादा बेटर रहेगा बट एक मिनट का होल्ड भी चलेगा, एक्सपीरियंस ट्रेडर तो एक मिनट का होल्ड के बाद आप इसे बाय कर सकते हैं. तो होल्ड कैसे लेगा, जैसे ये 812 और 808 के बीच में अप एंड डाउन करेगा, उसके बाद दोबारा से लेवल ब्रेकआउट करेगा बाय साइड का, तब आप बाय करेंगे. ये कंडीशन है गैप अप ओपन होने के बाद बाय के लिए. सेम कंडीशन है गैप डाउन ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए. बाकी गैप अप ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं, और गैप डाउन ओपन होने के बाद गैप अप के लिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा. अगला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो है गोदरेज सीपी. टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर हो जाएगा, मॉर्निंग में मैं दो स्टॉक्स वहाँ पे प्रोवाइड करूंगा. बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होगा 700 का, 694 का टाइम स्टॉप लॉस रहेगा आपका, टारगेट रहेगा 703 का, 709 का, 715 का. शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी 693 की, स्टॉप लॉस रहेगा 699 का, और टारगेट रहेगा 690, 684 और 678 का. ध्यान रखेंगे दोनों स्टॉक में लेवल ब्रेकआउट होना जरूरी है. पहली बार में स्टॉप लॉस हिट होता है दूसरी बार आप वो कॉल ले सकते हैं, बट पहली बार में टारगेट अचीव हो गया ये बात ध्यान रखिएगा. अगर पहली बार में टारगेट अचीव हो चुका है आपका तो आप दोबारा से वो कॉल नहीं लेंगे.
डिस्प्ले में आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा। आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, छोटे शेयर प्राइस जो छोटे जिनकी शेयर प्राइस हो उतने वो वाले स्टॉक्स आप चाहते हैं तो आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। बस डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर है, टेक्स्ट कर दीजिएगा, बाकी डिटेल हम व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।